हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक था न्यू पीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर में कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के पास टीएस ग्रेवाल 2000 एडिशन है, लेकिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सारे पार्ट यहाँ पर नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो इसका पेज नंबर है 4.85, चैप्टर नंबर 4 से ही क्वेश्चन मैंने लिया है। तो जल्दी से क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। आर एंड टी दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो है। एस ज्वाइन द फर्म, आर सरेंडर। अच्छा, यहाँ पे एस ने फर्म ज्वाइन की है और आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नया पॉइंट नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे आर का पॉइंट अलग दे दिया उन्होंने और टी कितना सरेंडर कर रहा है वो यहाँ पे दे दिया है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम जल्दी से कर लेते हैं। अगर आपने कर भी लिया है तो भी आप प्रैक्टिस के लिए फटाफट से कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड शेयर और फटाफट से सभी पार्टनर्स के नाम आर टी एंड एस, पहले ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर के फिर न्यू पार्टनर का। तो यहाँ पर उनका शेयर लिख दीजिए 3/5, 2/5। फिर यहाँ पर इसका शेयर कुछ भी नहीं है, फटाफट से हम देख लेंगे कितने के लिए आ रहा है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो अब हम यहाँ देखते हैं कितना सरेंडर कर रहा है एस, कितना सरेंडर कर रहा है। सरेंडर मतलब उसके शेयर से माइनस हो जाएगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना है 3/5। तो यहाँ पर जो हिज यूज हुआ है ये किसके लिए यूज करा गया है, आर के लिए। तो आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो हमने क्या किया 1/4 उसके शेयर का कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो टी ने कितना किया 1/5 अपने शेयर का। तो यहाँ पर 2/5 उसका शेयर है, उसने 1/5 यहाँ पे इसको दे दिया है। तो मैंने आपको ये कहा था ये वाला जो शेयर है इसके पास आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/20। तो 3/20 आया है आर से एस के पास और 2/25 ये आ गया है टी से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। अब आप फटाफट से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि मैं फटाफट कर दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये कैलकुलेट कर दिया फास्ट। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आ सकता है। देखो, यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पर जो एलसीएम बन रहा है वो 20 बन रहा है और यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 25, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आ रहा है 100। अगर ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर 20, 25 और 100, तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 20, 25 एंड 100। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो वो आपका 100 ही आएगा। तो अब इसलिए हमने यहाँ पर बेस में नीचे 100 रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने ये रेशियो कंप्यूट कर लिया। रेशियो आ गई 45, 32 और 23। तो ये आपकी नई रेशियो है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पेज सेम है 4.85। यहाँ पर दो पार्टनर दिए गए हैं ए एंड बी, उनकी ओल्ड रेशियो मिसिंग है। ये बात आप जानते हैं, अगर ओल्ड रेशियो मिसिंग हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है इक्वल रेशियो। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो हो जाएगी इक्वल। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो यहाँ पर एक नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका 1/4 शेयर है। इन फ्यूचर रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। तो फ्यूचर में जो रेशियो होगी ए एंड बी की, ध्यान देना क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दी हुई है, क्योंकि अगर न्यू रेशो होती तो यहाँ पर तीन पार्टनर की रेशो होनी चाहिए थी। यहाँ पे उनकी कंडीशन है फ्यूचर में जो रेशो होगी बिटवीन ए एंड बी वो होनी चाहिए 2:1। तो अब हमें न्यू रेशो यहाँ पर कंप्यूट करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हम उस तरीके से नहीं करेंगे जो अभी तक हमने करा था। बस आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हमें करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म
हमें इक्वल सॉरी हमें वन लेना है. लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म, टोटल शेयर फर्म का क्या है, वन. इसका मतलब ये है कि बिजनेस में प्रॉफिट का जो टोटल शेयर है वो कितना है, वन है. आगे हम यहाँ पर एक नया जो पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर वन फोर्थ के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीज शेयर. सी है इनकमिंग पार्टनर, सी शेयर वन फोर्थ. तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर. वन माइनस वन बाई फोर. तो सबसे पहले जो नया पार्टनर आया उसे आप शेयर दे दो. यहाँ पे कितना बचा शेयर, थ्री फोर्थ. तो ये जो थ्री फोर्थ शेयर है ये फ्यूचर में ए और बी में 2:1 की रेशो में जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले फर्म का जो शेयर है टोटल वन है और सी जो नया पार्टनर है वो वन फोर्थ के लिए आ रहा है. तो रिमेनिंग शेयर फर्म का कितना हो जाएगा, सी को पहले हम शेयर दे देंगे, वन में से वन फोर्थ हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया रिमेनिंग शेयर थ्री फोर्थ. अब ये जो थ्री फोर्थ है ये ए और बी को फ्यूचर में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो हम यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, ए बी एंड सी. यहाँ पर लिखेंगे थ्री फोर्थ शेयर, थ्री फोर्थ शेयर फ्यूचर में ए और बी के बीच में किस रेशो में जाएगा, 2:1 में, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. 2:1, 2/3, 1/3. और सी का शेयर क्या था, सी का जो शेयर है वो है 1/4. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 6/12, 3/12, और क्योंकि हमें बेस में सभी में इक्वल करना पड़ेगा तो यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/12. तो इस तरह से आप न्यू रेशो यहाँ पर देखेंगे तो न्यू रेशो हमारे पास बनेगी 6:3:3. इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, तो एक सेकेंड में पहले लिख देता हूँ, 6:3:3. आप इसको और छोटा कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 2:1:1. तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है. तो आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर के न्यू रेशियो के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको कैसे काम करना है. आपको टोटल फर्म का जो शेयर है वो लेट करना है वन, उसके बाद जो नया पार्टनर है उसका शेयर आप दे दीजिए, तो बचेगा रिमेनिंग शेयर. और रिमेनिंग शेयर फ्यूचर में ए एंड बी में किस रेशियो में आना चाहिए वो क्वेश्चन में दिया होगा. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक नया क्वेश्चन लिख दिया है, ये 9th का ही 5th पार्ट है और पेज नंबर सेम रहेगा. तो क्वेश्चन आप जल्दी से रीड कर लीजिए. ए एंड बी पार्टनर है, इक्वल रेशियो है, दे एडमिटेड सी एंड डी. यहाँ पर दो पार्टनर आ रहे हैं एक साथ एज पार्टनर्स विद 1/5 and 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली. तो ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, तो देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिख देंगे ओल्ड शेयर, जैसे हम नॉर्मल करते हैं. तो सबसे पहले नाम सभी पार्टनर के, क्योंकि इकट्ठे आ रहे हैं. आपको याद होगा आपने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था जिसमें पहले सी आ रहा था फिर डी आ रहा था, बट ये उससे अलग है. यहाँ पे सी एंड डी साथ में ही आ रहे हैं. तो चारों पार्टनर्स के हमने नाम लिख लिए. यहाँ पर ओल्ड शेयर लिख दीजिए 1/2, 1/2, 0, 0. अब यहाँ पे देखते हैं आप, दे एडमिटेड सी एंड डी एज पार्टनर विद 1/5 and 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली. तो सी को मिलेगा 1/5 और डी को मिलेगा 1/6. तो देखिए कैसे करेंगे हम, नॉर्मल वही रूल आपको लगाना है. पहले आप सी का कर लीजिए 1/5. यहाँ पे नहीं बताया कि सी को ए एंड बी किस रेशो में देंगे, तो उनकी आपस में जो रेशो है 1:1 यानी इक्वल रेशो 1/2 माइनस 1/5 का 1/2. तो आधा शेयर ए से मिलेगा, आधा शेयर बी से मिलेगा, इस तरह सी को मिल जाएगा. फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम,
फिर अब डी को देंगे, तो डी का शेयर जो टोटल है वो 1/6 है, तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर आधा ए देगा क्योंकि उनकी रेशियो क्या है, इक्वल, और आधा बी देगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। आगे यहाँ पे देखते हैं इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। इनका एलसीएम आ रहा है 60, कैसे, ये 12 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया और 2, 12 10 एंड 2, हाँ मतलब 2 10 12, इस तरह से इसका एलसीएम निकल जाएगा 60। उसके बाद यहाँ पर भी सेम ही है, तो यहाँ पर भी 60 आ जाएगा, और यहाँ पर 60 आपको करना है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 अपॉन 60, और यहाँ पर आपको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 अपॉन 60। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम, 30 माइनस 6 माइनस 5, तो यहाँ देखते हैं क्या आएगा, 30 माइनस 6 माइनस 5, तो यहाँ पर आएगा 19 अपॉन 60। उसके बाद 30 सेम ही आएगा, यहाँ पर भी 6 माइनस 5, तो यहाँ पर भी अगेन वही आ जाएगा 19 अपॉन 60। फिर उसके हाँ जी, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो 19 19 12 एंड 10, तो नई रेशो जो हमारे पास बनेगी वो आएगी 19:19:12:10। तो आप आंसर देख सकते हैं, यही रेशो आ रही है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं जो न्यू पीएसआर के क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे चैप्टर नंबर 5 के, और वेरी वेरी सिंपल, वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, और मुझे लग रहा है बस एक पार्ट और बनेगा मैक्सिमम न्यू पीएसआर का, और न्यू पीएसआर के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट या फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए और हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए। बाय बाय। We'll be right back.